इबार खूब बेटेले नान बनवा रहे छोटा। हां ठीक है। तो दोस्तों यह है मेरी नानी। तो अभी दोस्तों हमने ना यहाँ पे मस्त तरीके से ना नाश्ता कर लिया है और नाश्ता ना हमें हमारी मौसी ने कराया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और हम भी एकदम अच्छे से हैं। तो अभी दोस्तों टाइम हो रहा है, अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग अभी 10 और हम लोग ना बिल्कुल रेडी हो गए हैं एक नए सफ़र में जाने के लिए। तो नए सफ़र हमारा होने वाला है, शादी में जा रहे हैं हम लोग। और वैसे तो मैंने ना व्लॉग ना सुबह 8 बजे शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक जो भी क्लिप बनी थी सारी ना एरर हो गई है, यानी कि फॉर्मेट मानना पड़ा मुझे, पूरा SD कार्ड कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए दोबारा से शुरू कर रही हूँ मैं वीडियो। और अभी जो हम शादी में जा रहे हैं वो जा रही हूँ मैं अपने ननिहाल, अपनी नानी के गांव में। मेरे मामा की बेटी की शादी है तो वहीं हम शादी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं और मेरे साथ में कौन कौन है सभी से मिलाती हूँ। उससे पहले आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। तो देखिए मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, धूप भी तेज़ खिली हुई है और आजकल ना पहाड़ों में ना धुंध सी छाई हुई है, क्योंकि हर जगह ना जंगलों में बस आग ही आग लगी हुई है, तो इस वजह से बिल्कुल ना कोहरा सा धुंध सी छाई हुई है। बाकी व्यू यहाँ पे काफ़ी अच्छा आ रहा है, नीचे ना गंगा जी भी दिखाई दे रही है यहाँ से और काफ़ी सुंदर नज़ारा है। तो अभी हम ना अपने नानी के गाँव के लिए ना निकल चुके हैं ऊपर, और हमें ना देर रात तक आए थे मेरे हस्बैंड छोड़ने के लिए, तो उनको कुछ इंपॉर्टेंट काम था तो वो शादी में भी नहीं आ पा रहे हैं और वो वहाँ से देर रात निकल गए हैं। तो अभी भैया आए हमें लेने के लिए, ये है मेरे ताऊ जी के बेटे, ये मेरे भाई हैं, बहुत ही अच्छी ड्राइव करते हैं भाई, मतलब नंबर वन ड्राइवर है हमारे इलाके में भाई, है ना। और पति देव को भी ना उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जब उन्होंने गाड़ी ली थी ना तो भैया ने ना उनको काफी सपोर्ट किया था गाड़ी चलाने के लिए, तो भैया का बहुत सपोर्ट चल रहा है सभी को कर रहे हैं सभी, और आजकल ना पापा को भी कर रहे हैं, तो भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। पति देव को गाड़ी सिखा दी, अब हम मजे ले रहे गाड़ी के, है ना। और यहाँ पे हैं पापा, और पापा की गाड़ी ना आजकल भैया ही चला रहे हैं, तो भैया को दे रखी है पूरी गाड़ी, है ना। तो पापा को भी गाड़ी सिखा रहे हैं, हेल्प करा रहे हैं। और देवराग तक ना भाई हमें लेने के लिए आए हैं और साथ में पापा, तो क्योंकि पतिदेव को टाइम नहीं था तो इसलिए ना गाड़ी मंगवाई पापा की, और अब हम सब लोग जा रहे हैं। बाकी हमारे साथ में मेरी सिस्टर भी है, अभी बात कर रही है फोन में, बाकी बच्चा पार्टी भी है, तो चलते हैं। मैंने ना ब्लॉग शुरू करने के लिए ना स्पेशली भाई को बोला कि गाड़ी रोक दो, चलो भाई अब चलते हैं, है ना। चलो ये देखो भाई, देखो टाइम क्या हो रहा है, ये मेरी जुड़वा बहन मेरी हम सफर, और ये है बच्चा पार्टी, चलो दोस्तों। थोड़ी सी देर आगे आने पे ही हमें यहाँ पे ना रोक दिया गया है, क्योंकि ऊपर रोड में ना काम चल रहा है, तो वहाँ पे JCP मशीन लगी हुई है और काफ़ी सारे ना पत्थर आ रहे हैं नीचे, और एक JCP मशीन ना सीधा सामने पे भी दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे भी रोका गया है और यहाँ पे भी हमें, तो थोड़ी देर यहाँ पर आप वेट करना पड़ेगा, यानी कि ट्रैफिक लग गया है। और एक और बात है दोस्तों, जो ये सामने के जो पहाड़ है ना, इस साइड में ज़्यादातर चीड़ी चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, पूरे में चीड़ी चीड़ी, हमारे साइड में ना चीड़ के पेड़ हैं लेकिन बहुत कम है, लेकिन इस तरफ जो है ना ज़्यादातर चीड़ के ही पेड़ हैं। और एक तो बिल्कुल खेरा देखो, बिल्कुल कितना बड़ा है, और इसकी छाया काफ़ी मस्त, और ठंडी ठंडी हवा चीड़ के पेड़ के नीचे, तो बिल्कुल आराम मिल रहा है यहाँ पे खड़े होने में, और चढ़ाई चढ़ने में भाई सांस फूल जाती है। ये देखो स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं, हेलो करो, हेलो का के तुम जाने लंच करने को ना। हाँ छुट्टी देगी, हाँ। छुट्टी देगी, हाँ। अच्छा अच्छा बिल्ली स्कूल मन जाना, तो स्कूल के बच्चे हैं कि स्कूल नीचे भी होगा वहाँ जा रहे हैं। ये देखो छुट्टी देगी, छुट्टी देगी, हैं ये देखो प्यारे प्यारे बच्चे हैं स्कूल के। पापा कैसा लग रहा है ससुराल में आके? अरे पापा को तो ससुराल के नाम से खांसी होने लग गई। कई साल बाद आया वो ससुराल। कितने साल बाद? ये लगा लो 10-12 साल। 10-12 साल में आ रहे हो आप भी? हाँ।
सब 10-12 साल में आ रहे भैया। तो बताओ, पापा तो गांव में होने के बावजूद भी ससुराल नहीं आते अपने। तो ये देखो, ये है पूरा भदनी गांव, जो नानी का गांव है ना, तो उसका नाम है भदनी। और यहाँ से भी शायद वीडियो देखते होंगे मेरी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना जो लोग बाहर रहते हैं और मेरी वीडियो देखते हैं और इस गांव से हैं। सामने पे देखो, ये है रेड कलर का फूल, बहुत ही प्यारा लग रहा है। क्या नाम होगा इस फूल का? क्या कोई मंदरा को? अच्छा, तो इस फूल का नाम है मंदरा, नाम है इसका। बहुत प्यारा लग रहा है रेड कलर का। ये देखो मेरे साथ ही सब चढ़ गए ऊपर। तो दोस्तों, फाइनली हम शादी वाले घर में पहुंच गए हैं, अपनी नानी के घर पे। और यहाँ पे सभी से मिल रहे हैं, बाकी यहाँ पे मेरे नाना लोग बैठे हुए हैं और ये भाई लोग हैं। ये है दुल्हन का भाई। कोई बात नहीं, ऐसी तो अच्छा लग रहा है। और ये है मेरे मामा जी। अच्छा, नमस्ते। ये दुल्हन के पापा जी है, मेरे बड़े मामा। बिजी हो रखे मामा जी। और ये बनी हुई है यहाँ पे वेदी, जहाँ पे दूल्हा दुल्हन के फेरे होंगे। तो वेदी काफ़ी अच्छे से सजाई हुई है। ये देखो, हमारे यहाँ ना कुछ इस तरीके से बनती है वेदी। चलो, और ये है मेरे छोटे मामा का बेटा है, ये अंशु। कैसा है, ठीक है? हेलो करो, हेलो करो। देखते हो आप वीडियो? वीडियो देखते हो? बड़ी मामी। चल, हाँ जी, बच्चे आराम से आना सीढ़ियों से भाई। तुम आराम से आइए। खुले वो तो दोस्तों, यह है मेरी सबसे बड़ी मामी। मामी दिल्ली रहती है और शादी में घर पहुँचे हुए हैं। ठीक हो मामी? और भाभी और भी सवार के? भाभी नहीं बाबा। अच्छा, भाभी को नहीं आया? रहे देखो, भाभी को देखना था हमने, भाभी नहीं लेके आया। ये देखो कैमरे में, मेरे को भी दिखाओ। ये देखो, ये है मेरा भाई। इसके लिए सुंदर सी लड़की देखना, पानी पिला रहा है मुझे। इतनी गर्मी में अच्छे से लड़की मिल जाए तेरे को, सुंदर सी, जो तेरे को खूब कूटे। नानी से मिलो, है ना? ये बड़ी नानी है। भूख लग रही, पकड़ दो। नानी नमस्ते। अच्छा, तेरे नाते ये बार खूब बेटे ले मनवा रहे छोटा। तो दोस्तों, यह है मेरी नानी, है ना? तो आज आपको नानी से भी मिला दिया है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि तुम्हारी नानी, नानी से नानी, नानी के साथ ब्लॉग बनाओ, नानी के साथ ब्लॉग बनाओ। तो नानी से भी मिल ली है, ठीक है नानी? है ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है? हैं, अब जानी और बाबा का खाना ले यूं धर दे यूं। तो दोस्तों, उस घर में ना सबसे मिलने के बाद, नानी से मिलने के बाद, मामा मामी से मिलने के बाद, अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। और नाश्ता ना यहाँ आगे पे भी, यहाँ पे जो खेत है ना, यहाँ पे बना हुआ है और कुछ बन भी रहा है। बाकी देखो, नीचे वाले खेतों में ना यहाँ पर गेहूँ और जौ बोए हुए हैं, जो बिल्कुल अभी हरे हरे हैं। और नीचे ना दुल्हन का ना लहंगे के साथ में ना फ़ोटो शूट हो रहा है, मतलब सिर्फ लहंगे का फ़ोटो शूट हो रहा है। अभी दुल्हन तो वहाँ रूम में अंदर रेडी हो रही है, तो बाकी मैं मिलाऊंगी आपको दुल्हन से भी। बाकी ना हमारे टाइम पे ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, देख के ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अरे यार, आज के डेट में हमारी शादी होती तो ऐसा होता वो सीन। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी अब चलते हैं और यहाँ पे ना नाश्ता कर लेते हैं, कुछ भूख लग गई है, क्योंकि वैसे घर से भी किया था लेकिन बच्चों को भी भूख लग गई, तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। और ये है मेरी मौसी, जो बिल्कुल आज एकदम किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही मौसी आज। है मौसी? चलो उधर ही चलो। मौसा भी वीडियो देखेंगे ना? नहीं, यही मन खेल लो, यही मन खेल लेना। खाना तो मन ये खोने की बात में टाइम लगा, टाइम लगा ना, भूख होता वो सब टाइम लगा। भूख का और आ जाता है, फिर वो खाना है तो अभी दोस्तों, हमने ना यहाँ पे मस्त तरीके से ना नाश्ता कर लिया है, और नाश्ता ना हमें हमारी मौसी ने कराया है। तो हम मौसी के साथ मजाक कर रहे हैं कि अपनी बेटी की शादी में अगर तुम हमें नहीं भी नाश्ता करा पाओगे ना, तो हमें ये वाला दिन याद रहेगा। और रायता भी पी लिया, इतना मस्त खाना बड़ा मस्त बना हुआ है। ये देखो, बच्चे तो अभी भी रायता पीने में लगे हुए हैं, और हेमंत भी आ गया यहाँ पे। क्यों? हेमंत भी हमारे साथ ना, हमारे पीछे पीछे इसने भी रायते के मजे ले लिए। और भूपिया भी इंतजार में, ये ना इसे कुछ नहीं मिल रहा, तो ये सैलेड पे लगा हुआ है यहाँ पे। भाई मस्त।
बाकी जो भैया लोग आए ना खाना वगैरह बनाने के लिए, उन्होंने पूरा खाना बना के बिल्कुल तैयार कर दिया है, है ना, उनकी ड्यूटी ख़त्म। बाकी नीचे अभी दुल्हन का फोटो सेशन हो रहा है, अब हम चलेंगे नीचे वाली जो नानी है ना उनके यहाँ चलेंगे, है ना। चल बड़े कपड़े भी ऐसे ठीक हो, नहीं अभी नहीं, अभी तो काम कर रहे हो ना आप यार। तो दोस्तों नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ अभी दोबारा से शादी वाले घर में और इनसे मिली। ये है मेरे सबसे छोटे वाले मामा। तो मामा कहाँ रहते हैं? मैं यूरोप में रहता हूँ। मामा बाहर यूरोप में रहते हैं। और नेक्स्ट मंथ अभी फिर से जाना है, डिसाइड नहीं अभी जाता हूं कि नहीं जाता हूं, लेकिन छुट्टी अगले महीने तक छुट्टी ले रखी है लड़की की शादी के लिए, यानी कि बड़े भाई की बेटी की शादी के लिए। और मामा यूरोप में रहते हैं, वहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं। तो घर की याद तो नहीं आती ना फिर मेरी वीडियो देख के? क्यों, बच्चों की याद तो आएगी। अरे मन तो बहल जाता है ना, अपना गांव तो देखने यहाँ जाता है ना। अरे लगा दी बढ़िया लगती है ना वीडियो, बहुत अच्छा, बहुत बहुत कमेंट करना और वो करना, लाइक करना। और मामा पता क्या कह रहे थे वीडियो में आने से पहले पहले, कह रहे मैंने सोचा था एक दिन मैं पिंकी के ब्लॉग में जरूर आऊंगा, पर कह रहे मुझे ना अच्छे कपड़े पहनने थे, तो मामा ना कपड़े पहने जा रहे थे, मैंने कहा रहने दो अभी, ऐसे अच्छे लग रहे हो आप। और ये है मेरे मामा का सबसे ये छोटा वाला लड़का, है ना। चलो ये देखो सब भैया तैयार हो रहे हैं। और ये है दुल्हन की बहन, और दुल्हन की बहन इधर, दुल्हन की बहन इधर देख, दुल्हन तो नहीं शरमाएगी लेकिन दुल्हन की बहन शरमा रही है। और ये है मेरी मामी, छोटी वाली मामी, मामी नमस्ते, जो अभी मामा से मिलाया था ना उन्हीं की वाइफ है। और मामी ना बवाड़ा गांव से, जहाँ से मेरी सास का मायका और मेरी मामी का मायका एक ही गाँव। मामी बहुत सुंदर लग रही है। तो दोस्तों पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि दुल्हन भी किसी को तैयार कर रही है, तो दुल्हन को ना दुल्हन कर रही है अपनी बड़ी बहन को तैयार। तो हम लोग आए थे अभी गाड़ी से, तो हमारा तो ना मेकअप वेकअप और हमारे बाल वगैरह सब खराब हो गए, तो हमने यहाँ पे दोबारा से ना अपने बाल वगैरह सही करा रहे हैं। तो अभी मेरी बहन अपने बाल स्ट्रेट करा रही है यहाँ पे और दुल्हन करा रही है। ये है देखो दुल्हन, क्योंकि और तो सब बिजी हो गए हैं, दुल्हन ही फ्री हो रही है क्योंकि इसका तो मेकअप हो गया, तो ये फ्री है। बाकी इस तरह यहाँ लगे हुए हैं भाई तैयार होने में, कोई कह रहा मेरी साड़ी सही से नहीं लगी, कोई कह रहा मेरा मेकअप अच्छे से नहीं हुआ। माता माता श्री आ गई, क्या हुआ तुम क्यों नाराज हो रखे? क्या बात, काई बात की गर्मी हो रही तुम्हें? मैं यहाँ अपने मायके में आ रही थी। तो दोस्तों अभी ना बारात भी आ चुकी है और यहाँ पे जितने भी सारे लोग गेट पे जाने के लिए तैयार हो रहे थे, वो सारे लोग ना तैयार होके ना चले भी गए हैं गेट में बारात का स्वागत करने के लिए। बाकी मैं और मेरी बहन हम दोनों ना दुल्हन के साथ ही में थे, तो अब हम भी जा रहे हैं नीचे बारात देखने के लिए। बाकी एक बार आपको ना दुल्हन का ना पूरा लुक दिखा देती हूँ, उसके बाद स्टेज पे ही दिखाएंगे।